आदिकवि शारदास जगत सिंहपुर तेंतुलियापदा ग्राम से पंचदश शताब्दी से जन्मलाभ करते ओडिशार गजपति थे सूर्य वंशर सम्राट राजा कपिलेन्द्र देव कवि प्रकृत नाम थिला सिद्धेश्वर परिडा से जाति रे शूद्र एवं कृषक थिले ऐतिहासिकों मतरे कपिलेन्द्र देव 1435-1465 पर्यंत ओडिशार शासन करते कवि कृतित्व मुग्ध हो गजपति राजा तीनोटी प्रेरणा देते शारदा दास बाल्यकाल विशेष शिक्षा पाइन सर्वदा जुआ खेल पशा खेल और शगड़े बुलवाकर अभ्यास थिला एकदा से बुलुवा समय सिद्ध पथी पाइले फलरे शारदा देवी को अर्चना कर सिद्ध लाभ कर साहित्य साधन मन बलैले से जन्म रु बहु दुख कष्ट सह्य कर जीवन रे से बहु परिश्रम करते पाटी दिन से निज माता एवं पिता को हरते से अग्रजों ठारु लालित पालित होते से महामूर्ख थे किंतु बास्तव में लेखनी चालना को अनुधान कले जना जाए जे से जड़े महाकवि आदिकवि भाव परिगणित मूर्ख कहीपारे ना कि साधारणत समालोचक एवं दार्शनिकों मतरे से जड़े महामूर्ख बोली परिचित झंकड़ ग्राम से मोर अटय बसती मूर्खों गोष्ठी से सदागला दिन राति से जन्म रु मूर्ख बोली निजक निज शास्त्र रचना करते सिद्धेश्वर नाम किपर शूद्रमणि शारदा दास हेले एक कहानी मध्यम जना जाता एकदा से क्षेत्र काम कर गीत गाते एतिक बेले गीत माँ शारदा देवी शुणुले माँ शारदा कृपा तांको रही जो नाम शारदा दास होता माँ शारदा सेवक व दास रूपे से निजक परिचित करते समय से रचना कर चलिए विराट काव्य ग्रंथ मान पुरीर कल्पवट वृक्ष मूले बसी ओडिया महाभारत रचना कले पुरीर केतक पंडा मान पंडित मान साधु मानी संतुष्ट शूद्रमुनि आख्या प्रदान कले से दिन ठारू नाम शूद्रमुनि शारदा दास बोली जगतरे प्रचार होता दर्शक बंधु तांकर श्रेष्ठ कृति जहाँकि ओडिया महाभारत ओडिशार प्रत्येक घरे घरे परिचित समय रे राजा कपिलेन्द्र देव मध्य परिडा उपाधि प्रदान करते से राजा सैन्य बाहन बहु स्थान भ्रमण करते जहाद्वारा कि भौगोलिक ज्ञान रही जना जाए भौगोलिक ज्ञान सह अगाध पांडित्य थिला एहा छड़ा से देवी शारदा बहु साधना करते से निजे प्रचार करते शिव अभिशाप द्वारा से शूद्र जाति जन्म होते शारदा दास निजक देवी शारदा सेवक व दास रूपे स्वीकार करते से एही महान ग्रंथ महाभारत निजे लिखि नहांती बरं देवी शारदा लिखेई से वर्णना करते निजक संपूर्ण रूपे माँ समर्पण कर दास बोली निज नाम को परिवर्तन करते संस्कृत भाषार प्राधान्य रही संस्कृत भाषा रे व्यासकवि वेदव्यास महाभारत लिखिथिले सेही समय रे शूद्रमुनि शारदा दास ओडिया भाषा रे महाभारत रचना करी ओडिया साहित्य रे शीर्ष स्थान अधिकार कले ओडिया भाषा रे अस्तित्व को निज लेखनी मुन रे प्रचारित करी माटी रो महाकवि रूपे परिचय प्रदान कले ओडिया भाषा रे विभिन्न काव्य रचना करी ओडिया भाषा को समृद्ध करबा सह आगामी पीढ़ी पाई प्रेरणा रो उच्च साजिथिले आदिकवि शारदा दास आदिकवि और ओडिशार व्यास एवं शूद्रमुनि और माटीर महाकवि रूपे से परिचित जो समय रे संस्कृत भाषार प्रचलन थिला सेही समय रे कथित और आंचलिक भाषार कौनसी प्राधान्य नथिला सेतेबेले शारदा दास सृष्टि करथिले ओडिया भाषार महाकाव्य ओडिया भाषा आंदोलन पुरोधा भाव से आगामी पीढ़ी पाई स्थान प्रस्तुति करथिले वर्तमान जदि ओडिया भाषा उन्नत हो पारी तार श्रेय शारदा दास को जाऊँ साहित्य माध्यम रे समाज को परिवर्तन आनिबा सह परवर्ती कवि मानंक पाई से क्षेत्र प्रस्तुति करथिले प्रत्येक सिद्ध कवि संपर्क में यहीपर अनेक किंवदंती शुणा को मिले किंतु शारदा दास क्षेत्र में एक सुनिश्चित जे से पूर्वर संस्कृत रामायण पुराण प्रभृति शुणी शुणी निजे कथित भाषा रे पुराण रचना करने मन बल देवी को भक्ति करी आराधना करी सिद्धि लाभ करते प्रमुख एवं महाकाव्य तीनोटी
चंडी पुराण, बिलंका रामायण एवं महाभारत। चंडी पुराण रे कवि लेखिछंती महिषासुर को किपरि बद्ध कले एवं तार संपूर्ण व्याख्या मध्य से सेथिरे वर्णना करिछंती। बिलंका रामायण रे बिलंका रावण रो अत्याचार सही न पारी देवगुण असंतुष्ट होइथिले। रामचंद्र प्राय 5 दिन धरी बिलंका रावण सह युद्ध करी परास्त होइथिले। सती सीतांक जोगु बिलंका रावण हत्या किपरि होइथिला ताहा एठारे कवि तांकर एही काव्य रे व्याख्या करिछंती। शारदादासंक महाभारत रे केतेक कहानी मध्य सन्निहित होइछि। धृतराष्ट्र ओ गांधारीकर मिलन जात कौरव माने समवंश ध्वंसर कारण होइथिबारु शारदादासंक रचित महाभारत रे एही दुर्मतिर कारण स्वरूप धृतराष्ट्र ओ गांधारीकु ब्रह्म राक्षस गणरे संयोजित कराइछंती। गांधारी उआंसी कन्या होइथिबा जको धृतराष्ट्रंकु विवाह करिबा पूर्व व्यासदेवंक निर्देश मते गांधारी प्रथमे साहाड़ा वृक्ष को विवाह कले परे धृतराष्ट्रंकु विवाह करिथिले। शारदादासंकर प्रस्तुति एही साहाड़ा विवाह विधि एबे मध्य ओडिसा रे प्रचलित हेउछि। महाभारत रे शूद्र मुनि शारदादास पृथ्वीर सृष्टि धर्मर सृष्टि इत्यादि संपर्क रे प्रथमे आलोचना करिथिले मध्य प्रधानतः कौरव एवं पांडवंकर जन्म क्षमता पाई भाई भाईंक मध्य रे कलह संग्राम गोटिए पक्षर पराजय और अन्य पक्षर विजय दलर भूमिका मुख्य स्थान पाई। शारदा महाभारत रे चरित्र चित्रण रे मूल महाभारत ठारु केतेक व्यतिक्रम परिलिखित हुए। कौरव और पांडव वंशर प्रपितामह शांतनु को कवि सन्यासी भावरे चित्रण करिबा सह कामुक भावरे ग्रहण करिछंती। शारदा महाभारत रो नायक हेउछंती भीम। एही भीम पाए महाभारत युद्धर सूत्रपात होइथिला। कर्ण माता कुंतीकर पुत्र थिले। विवाह पूर्वरु सूर्यंक ठारु आशीर्वाद रे से निज कान बाटे कर्णंकु जन्म देथिले। धर्म रक्षा पाए महादानवीर कर्ण मां कुंतीकु निजर कवच कुंडल दान करी निज मृत्यु पथ परिष्कार करी देथिले। प्रकृतरे कर्णंक चरित्रर दृढ़ता बलिष्ठता व्यक्तित्व एपरिकि महनीयतार प्रकाश पाइछि ताहा पाठकंकु मुग्ध करिथाए। कविंक चित्ररे अर्जुन एक अपूर्व सृष्टि। अर्जुन चित्ररे कवि देव और मानविक गुणावली अपूर्व समन्वय घटाई। शारदा महाभारत रे दुर्योधन चरित्र रे दुईटी दिग देखिबा को मिले। प्रथमतः से दुराचारी निष्ठुर गर्वी और अपर पक्ष रे से सही परी उदार और महत। पांडवंकर प्रतिशोध नेबा पाई कुलबधु द्रौपदींकर प्रति अश्लील व्यवहार प्रदर्शन करी नीचतार परिचय देइछंती। निज पुत्र लक्ष्मण कुमार मृतदेह पाई से अधीर होइछंती। उरुभग्न समय रे अश्वत्थामांकर द्वारा कटा द्रौपदींक पांच पुत्र मस्तक चिन्ह पारी पितृत्वर कमलतारे द्रवीभूत होइछंती। एपरी करुण चित्र प्रकाश करी शारदादास लेखिछंती जे पांच गोटी मुंड कले धरी धातराष्ट्री प्राण विसर्जन कला मूर्धना कला। शारदादासंकर महाभारत रे शकुनी मंदबुद्धि युक्त प्रतिशोध परायण कुचक्री और खलनायक। शारदा महाभारत नायिका द्रौपदी पाई महाभारत सृष्टि प्रतिदिन से अग्नि रे स्नान करुथिले बोली कवि वर्णना करिछंती। संस्कृत महाभारत रे श्रीकृष्णंकर महनीयतार पांडित्यपूर्ण परिचय थिबा स्थले शूद्रमुनि शारदा महाभारत रे तांकु कुचक्री भावरे चित्रण करिछंती। गुरु द्रोणंकर मृत्यु पाई से युधिष्ठिरंकु मिथ्या कहिबार प्रेरणा देइछंती जेउथि पाई गांधारी तांकु दायी करि अभिशाप देइछंती। सुतरां शारदा महाभारत रे संस्कृत महाभारत परी श्रीकृष्ण गीतार प्रवक्ता नुहंती बरं छलनामय अकुचक्री भावरे परिचित। शारदादास मानव समाज पाई अमूल्य रत्न। तांक काव्य कविता गुड़िक मनरे शांति एवं भक्ति संचार करे। ओडिया भाषा एवं ओडिया जगतरे तांकर अमूल्य दान तांकु दिन पाई अमर करि रखिछि। दर्शक बंधु एहा थिला शूद्रमुनि शारदादासंक जीवनी एवं तांक महाभारतर चरितंक संक्षिप्त वर्णना।